हुकूमत सिंधी सेरे निगरानी मुनक़दा अमन रैली का इनेकाद कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन थिया जिंदे रैली आवन आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहदा कौमी मूवमेंट मुस्लिम लीग फंक्शनल मुस्लिम लीग काफ अवामी नेशनल पार्टी जमात इस्लामी समेत दीगर सियासी और मजहबी जमात पाक टावर तो गिनते दो तलवार उन तो बाद त्रै तलवार उन तो बाद त्रै तलवार तो वापस दो तलवार से वंजते इख्तिताम पजीर थी। रैली पीपल्स पार्टी और मुतहदा कौमी मूवमेंट के अराकीन सूबाई और कौमी असम्बली भी जोशो खरोश ना छरीक हैं। जो पुलिस और रेंजर्स अपनी कार्रवाइयाँ कर रही वो करती रहेंगी, लेकिन हम अमन के पैगाम के साथ हमारे वो भटके हुए भाई जिन लोगों ने हथियार उठाए हुए हैं उनसे ये अपील होगी कि हथियार फेंक कर अमन और मोहब्बत के साथ रहें, क्योंकि एक कहावत यह है कि यहाँ पे मोहब्बत के लिए जिंदगी बहुत कम है, लोग नफरत के लिए किस तरह वक्त निकाल लेते हैं। रैली के तमाम रूट्स को अमन के सफेद झंडिया के नाल नाल पाकिस्तानी परचमा नाल भी सजाया गया है। रैली मौजूद अक्सर सियासी वर्करा अपनी अपनी पार्टी की नुमाइंदगी वास्ते पार्टी झंडे भी लहराते पे हैं। हम जब एक साथ हैं तो लोग अपने मोहल्लों में अपनी गलियों में निकालें उन लोगों को जो के वो समझते हैं कि ये मशकूक किस्म के लोग हैं, अपने इलाकों के पुलिस स्टेशंस में इत्तला दें, उनका नाम बिल्कुल खुफिया रखा जाएगा। हमें एक दूसरे के साथ भाईचारगी करनी है, एक दूसरे का एहतराम करना है, एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, और जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो जो शर पसंद होंगे वो तन्हा रह जाएंगे। शर पसंद अनासर जो होते हैं जो मुल्क के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, इन लोगों के लिए मैसेज है कि जमातें जो हैं इनमें इनके लिए कोई वो जगह नहीं है, और अगर वो कहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे किसी जमात को तो उसमें ये जमातें उनके खिलाफ काम करेंगी। अमन रैली का मकसद कराची अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने तमाम तबकों की शमूलियत नाल शर पसंद अनासर के खिलाफ अमन का पैगाम देना है, जरा जो रैली के शुरुआत में भी जोशो खरोश देखने के दे लायक है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ लोग अपने फ्लैटों में आराम से सो रहे हैं, वहाँ के लोग जो रातों को जाग रहे हैं, दाने दाने को मोहताज है, खाने खाने को मोहताज है, आप लोग वहाँ जाए आना जाना। हम मजदूर आदमी है, रोज का हमारा आना जाना होता है, रोज सुबह शाम को पता नहीं वापिस जाएंगे नहीं जाएंगे कोई पता नहीं है हमारे को, तो वो अमन होना चाहिए, अमन रैली भी वहीं होना चाहिए। हुकूमती जमात और अपोजिशन जमात मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफों अमन रैली का भरपूर इनका किया गया। हम देखना यह है जो हुकूमत कराची अमन अमान बरकरार रखने की क्या इकदाम करेंदी है। कैमरामैन अजहर भट्टी के नाल जावेद हुसैन, रोही टीवी, कराची।